संडे इस दिन का सबको इंतजार रहता है। बाकी कोई दिन याद हो ना हो, पर संडे सबको याद होता है। चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हो या ऑफिस जाने वाले लोग, संडे का नाम सुनते ही चेहरे पे जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है। चलिए आज जानेंगे संडे इस दिन को ही छुट्टी का दिन कैसे बनाया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि संडे को ही छुट्टी का दिन माना गया। तो चलिए शुरू करते हैं। संडे को छुट्टी, इसे ब्रिटिश सरकार ने 1890 में पूरे भारत में लागू किया था, पर आजादी के जैसे ही ये भी हमें काफी संघर्ष के बाद मिला। 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के शासन काल में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो भारतीय मिल वर्कर थे, उन्हें पूरे 7 दिन बिना छुट्टी के काम करना पड़ता था। उन्हें ऐसा एक भी दिन नहीं मिलता था जिस दिन वो आराम कर सके। इसके वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वहीं ब्रिटिश अधिकारी हर संडे के दिन चढ़ जाते और प्रार्थना करने के बाद पूरा दिन मजे और आराम में बिताते, जबकि हम भारतीयों का ऐसा कोई एक भी दिन फिक्स नहीं था। ये सब चीजों को नारायण मेघाजी लोखंडे काफी सालों से देख रहे थे और वो तब एक मिल के लीडर थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि 6 दिन काम करने के बाद सारे मिल के मजदूरों को भी एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए और संडे का जो दिन है वो भगवान खांडोबा का दिन है और इस दिन हमें भी छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि हम भी अपने देवी देवताओं का पूजा अर्चना कर सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ये बात नहीं मानी, पर लोखंडे जी ने भी हार नहीं मानी और पूरे 7 साल के स्ट्रगल के बाद 10 जून 1890 में ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत में संडे को छुट्टी का दिन बोल के लागू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि संडे का दिन छुट्टी का दिन होगा, ये आज तक हमारे कानूनी दस्तावेजों में है ही नहीं। और तब से लेकर आज तक ये संडे का दिन छुट्टी का दिन है ये मानकर चला आ रहा है।